बॉलीवुड के पॉपुलर स्टार सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 2 हफ्ते से ज्यादा बीत चुके हैं। देखा जाए तो आज भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं लोग कि सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं हैं। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर बहस तेज हो चुकी है, तो वहीं लगातार बॉलीवुड के सेलेब्स भी कई बड़े खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो नेपोटिज्म को लेकर लगातार बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज ने खुलासा किया है, लेकिन अब बयान सामने आया है बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान को लेकर। जी हाँ, जब सैफ ने खुलासा किया कि वो भी भाई भतीजावाद का शिकार रह चुके हैं, तो चलिए बताते हैं आखिरकार नेपोटिज्म को लेकर सैफ अली खान क्या कहते हुए नजर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में सैफ अली खान ने अपने इंटरव्यू में कहा कि भारत में असमानता है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। नेपोटिज्म, पक्षपात और डेरा जमा लेना अलग अलग विषय हैं। यहाँ तक कि मैं भी नेपोटिज्म का शिकार रहा हूँ, लेकिन कोई भी इस बारे में नहीं बोलता है। मैं फिल्म संस्थानों में अधिक लोगों को देखकर खुश हूँ। और इस तरीके से सैफ ने अपने इंटरव्यू में बताया नेपोटिज्म को लेकर। वहीं इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी सैफ अली खान बातें करते हुए नजर आए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सैफ ने अपने इंटरव्यू में कहा कि वह एक प्रतिभाशाली अभिनेता और एक अच्छा दिखने वाला लड़का था। मुझे लगा कि उसका भविष्य उज्जवल है। वह मेरे प्रति विनम्र था और फिल्म में मेरी भूमिका की सराहना की थी। वह खगोल विज्ञान और दर्शन जैसे कई विषयों पर बात करना चाहते थे। मुझे लग रहा है कि वह मेरी तुलना में ज्यादा प्रतिभाशाली हैं। और इस तरीके से सैफ ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अपना दर्द बयां किया और उनकी तारीफें की। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जल्द ही सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म में सैफ अली खान भी नजर आने वाले हैं, जिनका इस फिल्म में मुख्य किरदार देखने को मिलेगा। और इस फिल्म का नाम है दिल बेचारा। जल्द ही ये फिल्म रिलीज होने वाली है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में दर्शकों इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।